हाई एवरी वन वरोनिका आज का टॉपिक है हमारा यहाँ पे मैं आपको बताऊंगी कि ट्राइबल फार्मर्स की एक ड्राइव है सॉइल हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए उसको एफ ए ओ ने रिकोगनाइज किया है अब ये क्या ड्राइव है उनकी इसके बारे में हम डिटेल में जानेंगे आपकी कोई भी क्वेरी हो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं सोशल मीडिया पे बिकॉज आई फील्ड क्या चाहे तो फेसबुक इंस्टाग्राम या टेलीग्राम पे फ जो है वो आपको सिर्फ और सिर्फ मेरे टेलीग्राम चैनल पर ही मिलेगा बाकी राजस्थान स्टेट एग्जाम्स के जो स्टूडेंट्स हमको देख रहे हैं उनको बता दो स्मार्ट कोर्सेज अवेलेबल हैं राजस्थान पी राजस्थान जी राजस्थान जी राजस्थान एस एस आई टी टी इनमें से कोई भी कोर्स आपको चाहिए हो या आप इसके बारे में जानकारी चाहते हो तो आप कॉल कर सकते हैं या फिर हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं अब देखिए कम्युनिटी इनिशिएटिव वैसे मैं आपको बता दूं कि कम्युनिटी इनिशिएटिव्स बहुत ही ज़रूरी हैं इन्वामेंट के लिए एग्रीकल्चर के लिए यहाँ पे हम सॉइल हेल्थ की बात करें तो आप सॉइल हेल्थ को इंक्लूड कर लीजिए जब कम्युनिटी खुद से Uh, सामने आकर नई नई ड्राइव्स नए नए तरीकों से सॉइल को या अपना जो भी खेती बाड़ी है उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करती है तो इस तरह के मेथड्स बहुत ही फ्रूटफुल साबित होते हैं तो यहाँ पे इसी तरह का एक कम्युनिटी इनिशिएटिव है ट्राइबल फार्मर्स का तीन डिस्ट्रिक्ट्स हैं सदन और राजस्थान में और यहाँ पे इनका मकसद क्या है सॉइल हेल्थ को इम्प्रूव करना रिवाइटलाइज करना और बायोडाइवर्सिटी को रिसीव करना बायोडायवर्सिटी uh, को रिस्टोर करना अब इस चीज़ को यहाँ पे रिकॉग्निशन मिली है जो कि बहुत बड़ी बात है और एक uh, कहाँ से मिली है यू एन फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन एफ़ ए से उन्होंने प्रेज़ किया है की बहुत ही बढ़िया तरीका इन लोगों ने अपनाया है न्यूट्रिशन सेंसिटिव फार्मिंग सिस्टम इन्होंने अडॉप्ट किया है इससे सॉयल हेल्थ पे अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा एग्रीकल्चरल आउटपुट भी ज़्यादा आएगा और इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन भी होगी तो तीन चीज़ें हो रही हैं सॉइल हेल्थ इंप्रूव हो रही है एग्रीकल्चरल आउटपुट अच्छा मिलेगा फार्मर्स तो की इनकम इंक्रीज़ होगी और थर्ड इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन तो इस चीज़ को रिकॉग्नाइज किया गया कि क्योंकि देखिए किसी स्टेट में अगर ये मेथड्स अच्छे प्रूव होते हैं तो हम सेम क्लोन करके कॉपी करके दूसरी जगह भी फार्मर्स को उसके बारे में बता सकते हैं प्रिंट मीडिया में भी ये न्यूज़ आप देख सकते हैं आप देखिए एक रिपोर्ट थी एक सब्जेक्ट था उसका टाइटल इन्होंने रखा था पार्टिसिपेटरी लर्निंग एक्शन इज क्रिटिकल फॉर कम्युनिटी एक्शन टू प्रमोट सॉइल बायोडाइवर्सिटी यहाँ पे इन्होंने ये टेक्निक कैसे सॉइल हेल्थ को इम्प्रूव कर रही है इसके बारे में बताया रिपोर्ट को रिलीज किसने किया वाग इटली में अप्रैल 1922 की बात है इसके बीच में जो पूरा काम हुआ ये पूरी रिपोर्ट थी यहाँ पे ऑर्गेनिक मेथड के तरीके बताए गए हैं जिसमें ऑर्गेनिक मेथड के तरीकों में इन लोगों ने क्या क्या मेथड्स यूज किए हैं मिक्स्ड फार्मिंग एग्रो अप्रोच स्प्रेइंग ऑफ बटर मिल्क यानी यहाँ पे मिक्स फार्मिंग यूज़ की है स्प्रे कर रहे हैं बटर मिल्क जो छाछ रहती है या गुड़ का जो सोल्यूशन होता है लिक्विड मनोर को यूज़ कर रहे हैं तो इस तरह की प्रैक्टिसेस इन्होंने आप कह लीजिए हम अपनी लैंग्वेज में बोल रहे हैं तो देसी मेथड यूज़ करके सॉइल की हेल्थ को इम्प्रूव किया अदरवाइज़ बड़ी बड़ी कंपनीज आती हैं केमिकल्स दिखाती हैं हम लोगों को केमिकल यूज़ करो आपका सॉइल हेल्थ इंप्रूव होगा काफ़ी टाइम फार्मर्स केमिकल्स भी यूज़ करते रहे बट यहाँ पर यहां पे जो हमारे पुराने मैथड्स हैं वो सबसे अच्छे हैं ये इनिशिएटिव लॉन्च किया गया ट्राइबल डोमिनेटेड जो एरियाज हैं आपका प्रतापगढ़ दुंगारपुर डूंगारपुर और बनसवरा डिस्ट्रिक्स ये तीन डिस्ट्रिक्स ट्राइबल डोमिनेटेड एरियाज हैं यहाँ पे ये तीनों चीज़ें ये जो मेथड्स हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग के ये अपनाए गए और इससे लार्ज नंबर ऑफ जो हमारी पुरानी ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस हैं जो हमारे दादा परदादा यूज़ करते आए होंगे उनको रिवाइव करके यहाँ पर काम किया गया तो ये पूरी अप्रोच क्या माना जा रहा है एक सस्टेनेबल अप्रोच है जो इन्होंने जो कम्यूनिटी है उन्होंने यहाँ पर अपनाई उसको यूज़ किया और फार्म प्रोड्यूस जो है उनका वो इससे इम्प्रूव हुआ क्वालिटी जो है फार्म प्रोड्यूस की वो इम्प्रूव हुई और इससे अगर आप देखेंगे फार्मर्स का या ट्राइबल कम्युनिटी का जो विजन है इंडिजीनियस फूड और एग्रीकल्चर मैनेजमेंट को लेके वो भी बढ़ गया काफ़ी इंक्रीज हो गया उनको समझ में आ गया अच्छा हम ये ये मेथड्स भी यूज़ कर सकते हैं इन्हीं मेथड्स को लेके एफएओ ने अप्रिशिएट किया है इस इनिशिएटिव को और उनका एक रिसेंट पब्लिकेशन है उसका थीम है सॉइल बायोडाइवर्सिटी इन एक्शन उसके अंदर उन्होंने इसकी काफ़ी तारीफें की हैं और ट्राइबल फार्मर्स जो हैं अब उनका ये सारा जो काम है अब उनको दुनिया देख रही है अब वॉल्टियर ग्रुप है बनसवरा डिस्ट्रिक्ट का जिन्होंने पार्टिसिपेट किया ग्लोबल सिंपोजियम में भी क्योंकि जब उनको पता चला कि एफ उनको रिकगनाइज़ कर रहा है तो उन लोगों ने इनको अप्रोच किया होगा तो वहाँ से एक वॉल्ट्री ग्रुप तैयार हुआ बनसवरा डिस्ट्रिक्ट से उन्होंने ऑनलाइन आपका एक ग्लोबल सिंपोजियम होगा उसमें पार्टिसिपेट किया सॉइल बायोडा बायोडाइवर्सिटी को लेकर इसको एफ ने ही ऑर्गेनाइज़ किया था तो देखिए कितनी बड़ी बात है कि वहाँ की कम्युनिटी को ग्लोबली अपने आप को तो वो लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं जो तरीके उन्होंने अपनाए न्यूट्रिशन सेंसिटिव फार्मिंग में क्या होता है क्या इन्वॉल्व होता है इसमें आपकी मिक्स्ड क्रॉपिंग आएगी मिक्स्ड क्रॉपिंग क्या है कि हम एक क्रॉप के बदले वहाँ पे उसके साथ कुछ और क्रॉप्स भी लगाएं उससे क्या होता है सोइल का जो न्यूट्रिएंट वैल्यू है वो बना रहता है क्योंकि यूजुअली क्या किया हम हमेशा एक लैंड पे एक ही तरह की चीज़ें ग्रो कर रहे हैं तो वो न्यूट्रिएंट्स वहाँ से डिप्लीट हो रहे हैं उनको रिप्लेनिश होने का टाइम नहीं मिल रहा तो मिक्स क्रॉपिंग में यहाँ पे आपको ज़्यादा बेनिफिट होता है सॉइल आपका ज़्यादा अच्छे से रिप्लेनिश होता है जैसे कि लेग्यूम्स को माना जाता है तो दालें हम लगाते हैं कि वो नेचुरल फर्टिलाइजर्स हैं मिक्स क्रॉपिंग के बाद आप क्रॉप रोटेशन करते हैं ये चीज़ जो मैंने बताया कि हमेशा एक क्रॉप ग्रो नहीं करना चाहिए वी शुड रोटेट एक बार अलग लगाया एक बार अलग लगाया मिक्स लगाया एग्रो फॉरेस्ट्री एग्रो फॉरेस्ट्री एक बहुत नया और एक नया कॉन्सेप्ट तो नहीं है बट अभी बहुत ही प्रचलित है सब लोग इसको अपना रहे हैं एग्रो फॉरेस्ट्री का मतलब है कि आप एग्रीकल्चर भी कर रहे हैं और साथ में फॉरेस्ट्री फॉरेस्ट Forest में जो ट्रीज होते हैं उनको भी साथ साथ प्लांट प्लांट कर रहे हैं मे बी बाउंड्रीज पर प्लांट कर रहे हैं जैसे भी आपको सही लग रहा है मल्चिंग प्लांटेशन इन होम एंड ग्रोइंग हेज ग्रोस ग्रासी स्ट्रिप्स अराउंड एग्रीकल्चरल फील्ड्स तो न्यूट्रिशन सेंसिटिव फार्मिंग में ये सब चीज़ें आती हैं अब जो कल्टिवेटर्स हैं इस रीजन के उन्होंने ये प्रैक्टिस देखा एक बार यूज़ करके देखा देखा कि इससे अच्छा रिज़ल्ट आ रहा है तो फार्म लैंड में इनको यूज़ करना शुरू किया मोस्ट ऑफ विच इज़ रफ़ अन ईवन एंड स्लोपिंग ऑन द फूट हिल्स तो इनके जो खेत भी हैं ऐसा नहीं है कि एकदम कोई प्लेन एरिया है रफ़ एरियाज़ में भी उन्होंने ये चीज़ें अपना के देखी और अच्छे रिजल्ट उससे आए ओके okay. अब मान सिंह निना, निनामा ये एक फार्मर हैं आनंदीपुर ब्लॉक सुंदराव विलेज में उन्होंने कहा कि मिक्स्ड क्रॉपिंग जो उन्होंने अडॉप्ट उनकी बारह बीघे की जमीन है इससे उनका प्रोडक्शन भी इंक्रीज हुआ और क्वालिटी जो बेटर क्रॉप्स की क्वालिटी है वो भी बेटर हुई जब मेज़ को सेम पल्स को हार्वेस्ट किया और ग्राम्स और पीस लगाए मेन क्रॉप वीट इन राबी सीजन तो मतलब वो बता रहे हैं कि वो मिक्स्ड वो बता रहे हैं कि अपनी इस ज़मीन में वो मिक्स्ड क्रॉपिंग करके देख रहे हैं बारह बीघा ज़मीन में और उनको बहुत अच्छे रिजल्ट्स जो हैं वो मिल रहे हैं इस वजह से अगर आप अब लैंड को देखेंगे जहाँ में मिक्स क्रॉपिंग की जा रही है आपको डेंसिटी ऑफ क्रॉप्स भी डिफरेंट रोज में नज़र आएंगी वेराइटीज़ नज़र आएंगी इससे एक और फ़ायदा होता है आपका सॉइल इरोड नहीं होता सॉइल का फ्लो अगर आपका फील्ड स्लोप में है तो वहाँ से ज़मीन को सॉइल छोड़ता नहीं है अब बहुत बढ़िया बात कि ऑर्गेनिक मेथड्स यहाँ पे यूज़ किया इसका मतलब यहाँ पे कोई भी केमिकल्स इन्होंने यूज़ नहीं किए हैं तो बाकी ट्राइबल फार्मर्स का मानना है कि पहले वो केमिकल फर्टिलाइज़र्स को यूज़ करते थे अपने फील्ड में लेकिन अब वो ऑर्गेनिक वर्मी कंपोस्ट यूज़ कर रहे हैं जिससे सॉयल हेल्थ इम्प्रूव हुई है इम्पैक्ट आपको जो मेज़ है और राइस है उसके कलर में उसके साइज़ में जो इस साल उन्होंने केमिकल्स यूज़ नहीं किए उसमें क्लियर विजिबल डिफरेंस आपको नज़र आएगा अब देखिए ये जो कैम्पेन है ये सिर्फ यहीं पे ख़त्म नहीं होती रिपोर्ट में बताया कि ये कम्युनिटी एक्शन जो है ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो ग्रुप्स हैं उस गोल्स जो हमारे हैं उनको भी अचीव करना चाहते हैं कि हम सॉइल को हार्म ना करें जो हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स क्या है हमारे ओके दिस शुड बी गोल्स जीरो हंगर है ना जीरो हंगर हमारा एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है तो इवेंचुअली अगर आप माल न्यूट्रिशन को रोकना चाहते हैं तो आप चाहेंगे कि आपके फील्ड्स आपको अच्छा प्रोड्यूस दें आपको लोकल सॉल्यूशंस मिले तो यहाँ पे ये एक उस तरह का ज़ीरो हंगर से टैकल करने का एक लोकल सॉल्यूशन है फिर एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ इस पूरे कम्युनिटी पार्टिसिपेशन की है इन्वॉल्विंग वुमेन कि महिलाओं को इंक्लूड करना इन ट्रेडिशनल प्रैक्टिस में कैंपेन में अराउंड 600 जो इंडिजीनियस वुमेन हैं ट्राइबल वुमेन उनको ट्रेन किया गया उनको सिखाया गया सॉइल हेल्थ की जानकारी लेना प्रैक्टिस फार्मिंग सिस्टम्स ताकि उनको भी इन्वॉल्व किया जाए तो ये सारी स्टोरी एक साल पहले शुरू हुई और ये कहाँ तक पहुँची कि आप देखिए इसको एफ ने भी रिकॉग्नाइज किया ट्राइबल्स कम टुगेदर टू प्रोटेक्ट सॉइल बायोडाइवर्सिटी देखिए सॉइल बायोडाइवर्सिटी के लिए कैसे लोग साथ में आए हैं सदर्न राजस्थान में तो इन लोगों की मदद जैसे जो डेवलपमेंट प्रैक्टिशनर्स हैं अकैडमिशन हैं हैं, उन्होंने भी कि इन लोगों को अवेयर करने के लिए और इंडिजीनियस प्रैक्टिस को और ज़्यादा हाईलाइट करने के लिए और इन ट्राइबल लोगों के बारे में भी बताया कि कितना स्ट्रगल ये लोग करते हैं सर्वाइवल के लिए माल नरिशमेंट कितनी है रिसोर्स लॉस कितने होते हैं क्योंकि अब इनको उससे फ़ायदा हो रहा है अब ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात करें तो अगर आप एफ़ एस एस ए आई के अकॉर्डिंग ऑर्गेनिक फार्मिंग की डेफिनेशन देखते हैं ये ऐसा सिस्टम है फार्म डिज़ाइन का और मैनेजमेंट का जहाँ पे आप कोई भी सिंथेटिक एक्सटर्नल क्योंकि देखिए बाहर से हम फर्टिलाइजर्स तो यूज़ करेंगे तो कोई भी चीज़ हम जो एक्सटर्नल यूज़ कर रहे हैं वो सिंथेटिक यूज़ नहीं कर रहे हैं मतलब केमिकल फ़र्टिलाइजर्स यूज़ नहीं कर रहे हैं पेस्टिसाइड्स यूज़ नहीं कर रहे सिथेटिक हार हॉर्मोन्स यूज़ नहीं कर रहे जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स यूज़ नहीं कर रहे जब ये चीज़ें कुछ भी सिंथेटिक एक्सटर्नल इनपुट uh, जो हम इसको नहीं देंगे तब वो चीज़ ऑर्गेनिक फार्मिंग कहलाएगी इंडिया का सिनेरियो रिगार्डिंग ऑर्गेनिक फार्मिंग है सिक्किम आपको मालूम होना चाहिए पहली स्टेट है वर्ल्ड में जो फुली ऑर्गेनिक बनी थी 2016 में नॉर्थ इंडिया काफ़ी ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस यूज़ करता है केमिकल्स बहुत कम वहाँ पर यूज़ किए जाते हैं गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स भी बहुत है ऑर्गेनिक फार्मिंग को सपोर्ट करने के लिए मिशन ऑर्गेनिक वैल्यू चेन डेवलपमेंट फॉर नॉर्थ ईस्ट रीजन आया था फिर हम का परम्परा परम्परागत कृषि विकास योजना पी के वी वाई टू थाउजेंड फिफ्टीन में लॉन्च की गई केमिकल फ्री फार्मिंग के लिए अब बार बार हम बात करें फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने इनको रिकोगनाइज किया तो ये कौन है ये एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है लेकिन ये एजेंसी कहाँ की है यूनाइटेड नेशंस की जो इंटरनेशनली एफर्ट्स लगा रही है भूख को मिटाने के लिए इसको 1945 में किया गया था FAO को और इसके हेड क्वार्टर्स रोम इटली में है एफ के 197 मेंबर कंट्रीज हैं जिसमें यूरोपियन यूनियन भी आते हैं बाइनियल कॉन्फ्रेंसेस होती हैं इनकी एग्जीक्यूटिव आर्म है एफ एफ ए काउंसिल जो गवर्निंग बॉडी है तो आप इसको याद रख सकते हैं एफ के बारे में थोड़ा सा इंफॉर्मेशन अब आपके लिए क्वेश्चन है यहाँ पे एफ ए रिकोगनाइजेस ट्राइबल फार्मर्स फॉर रिविटलाइजिंग सोयल हेल्थ इन फ्रॉम विच स्टेट मध्य प्रदेश उत्तराखंड उत्तर प्रदेश राजस्थान दिस इज इजी फॉर यू ना अभी तो पढ़ा है लेकिन बाद में आप भूल जाएंगे कौन से स्टेट को रिकग्निशन मिला है एफ के द्वारा तो आप इसको टेलीग्राम पे जरूर पार्टिसिपेट कीजिए बाकी आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं अप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं कोर्सेज की जानकारी के लिए कोर्सेज ई एम भी अवेलेबल हैं थैंक यू सो मच